हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय क्लासरूम एंड माय यूट्यूब चैनल भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। तो लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने शुरू किया था मैक्रो का चैप्टर 1 व्हिच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पिछले वीडियो में व्हिच वाज पार्ट 1 उसमें हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन देख ली थी, साथ ही में देख लिया था फेजेस आल्सो नोन एज स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो और साथ में कुछ छोटे टॉपिक्स जान लिए थे जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, उनकी फैक्टर इनकम्स क्या हैं और साथ ही साथ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, कितने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, ये सारा पार्ट वन वीडियो के अंदर में हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग चैप्टर 1 को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर मॉडल के अंदर में डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ ही रियल फ्लो एंड मनी फ्लो जो कि 2 टाइप्स है ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम उसको पढ़ेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है आपको मालूम है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप ओपन करके उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। और हमें मालूम है कि 2 सेक्टर की जब बात करते हैं तो पहले 2 सेक्टर आते हैं, हाउस होल्ड आता है एंड प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स को और क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स को और कहते हैं फर्म्स। ठीक, तो बोर्ड के ऊपर डायग्राम है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है हाउस होल्ड एक साइड पे और दूसरे साइड मैंने ड्रॉ कर लिया है प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स को और क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स को और कहते हैं फर्म्स जो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन बताया था, मैंने बताया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन है। आप सबको याद होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो ओनर है वो हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड आर सेड टू बी द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 1 मार्क्स के अंदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। तो हाउस होल्ड हु आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले किसको? प्रोड्यूसर। ठीक, तो पहला जो एरो जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट का जो एरो जा रहा है वो ये रहा एंड फर्स्ट पॉइंट कह रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसने प्रोवाइड किया? हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया एंड किसको प्रोवाइड किया? प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड किया। प्रोड्यूसर्स कौन है? प्रोड्यूसर्स है हमारी फर्म्स। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड किया और जैसे ही हाउस होल्ड ने फर्म्स को मतलब कि प्रोड्यूसर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया, आपने किसी को लैंड प्रोवाइड किया या लेबर या कैपिटल या एंटरप्रेन्योर, तो बदले में क्या देगा? तो वो प्रोड्यूसर बदले में इन रिटर्न ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो नोन एज फैक्टर सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेंगे? जो प्रोवाइड करेंगे फैक्टर पेमेंट। ये दे रहे हैं, जो दे रहा है उसके लिए पेमेंट और जिसे मिल रहा है उसके लिए क्या हो गया? उसके लिए हो गया इनकम। तो इन्होंने प्रोड्यूसर्स दे ऑल्सो नोन एज फर्म, उन्होंने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड किया? फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड की, ऑल्सो नोन एज इनके लिए फैक्टर इनकम, और वो क्या हो गया? लैंड पे दिया, राइट। लेबर को प्रोवाइड किया वेजेस, कैपिटल पे उनको दिया इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को दिया गया प्रॉफिट। ठीक, तो सबसे पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया प्रोड्यूसर्स को एंड इन रिटर्न ऑफ विच प्रोड्यूसर्स ने प्रोवाइड किया फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड। इतना क्लियर? अब आगे ऑब्वियसली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके प्रोड्यूसर्स करेंगे। प्रोड्यूसर्स जिनका काम है प्रोडक्शन करना, वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे और वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके अपने पास थोड़ी रख लेंगे, वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके मार्केट के अंदर में बेचेंगे। किसे किसे प्रोवाइड करेंगे वो गुड्स एंड सर्विसेज? वो गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने बनाए हैं हाउस होल्ड के लिए। तो प्रोड्यूसर ने थर्ड पॉइंट के अंदर प्रोड्यूसर ने प्रोवाइड किया, ये एरो जा रहा है किसकी तरफ जा रहा है? हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है। प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड किया? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया। तो प्रोड्यूसर्स ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया। तो अगर एक दुकानदार आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपने एक दुकान पे से चॉकलेट खरीदी है तो बदले में आप क्या देंगे? चॉकलेट तो आपके पास आई लेकिन पैसा आपके पास से गया। ओके, क्लियर? तो उसी तरीके से हाउस होल्ड ने फोर्थ पॉइंट में बदले में प्रोड्यूसर्स को क्या दिया? हाउस होल्ड ने जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज ली, बदले में प्रोड्यूसर को हाउस होल्ड ने दिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो उन्होंने कंजप्शन करने के ऊपर किया, उन्होंने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए उसके ऊपर जो खर्चा किया, एक्सपेंस जिसे कहते हैं, उसके ऊपर जो खर्चा किया उसे कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो फोर्थ पॉइंट में हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड किया? हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को प्रोवाइड किया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एंड विद दिस, ये 4 पॉइंट्स के साथ जो हमारा सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर मॉडल के अंदर में, 2 सेक्टर ऑफ विच वन इज हाउस होल्ड एंड अनदर वन इज प्रोड्यूसर, ये कंप्लीट हुआ।
तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहता है कि जितना पेमेंट है ऑफ वन पर्सन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इनकम ऑफ अनदर पार्टी अनदर पर्सन. एक पर्सन जितना पेमेंट कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, दूसरा पर्सन उतना ही गेन कर रहा है, उतना ही रिसीव और उतना ही इनकम उसके पास आ रही है. ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है. इनकम सर्कुलर वे में मूव कर रहा है इकोनॉमी में जो वेरियस सेक्टर्स है उसके अंदर. ठीक, तो यहाँ पे कौन से सेक्टर्स हमने देखे? यहाँ पे हमने देखा सेक्टर दो, एक हाउस होल्ड और एक प्रोड्यूसर. ऐसा थ्री सेक्टर मॉडल भी होता है, ऐसा फोर सेक्टर मॉडल भी होता है, बट वो आपके कोर्स के अंदर में नहीं. ठीक, तो ये था सर्कुलर फ्लो मॉडल. तो सर्कुलर फ्लो मॉडल बेसिकली कहता है कि सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है, लेटर इन रिटर्न प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड को उसका फैक्टर पेमेंट देते हैं, फिर साथ ही साथ प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देती है, एंड इन रिटर्न ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को कंजप्शन एक्सपेंडिचर देते हैं. इसमें एक वन मार्क्स की चीज और है. इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो सेविंग. आई रिपीट, इट इज अज्यूम्ड दैट, ये मान लिया जाता है, ये साथ में अज्यूम करके चलते हैं कि यहां पे कोई भी सेविंग नहीं है. देयर इज नो सेविंग इन टू सेक्टर मॉडल. ये सर्कुलर फ्लो का जो टू सेक्टर मॉडल है, यहां पे कोई भी सेविंग नहीं है, ये अज्यूम करके यहां पे चलते हैं. तो जितना भी वन पर्सन का एक्सपेंस होता है वो अनदर पर्सन का इनकम होता है, जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है वो टोटल कंजप्शन के इक्विवेलेंट के बराबर के इक्वल होता है. ये हमें बताता है सर्कुलर फ्लो मॉडल, जो कि टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा. आज का जो दूसरा टॉपिक हम लोग को देखना है वो देखना है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो. फर्स्ट वन इज रियल फ्लो एंड अनदर वन इज मनी फ्लो. रियल फ्लो जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जहां पे गुड्स और सर्विसेज एक सेक्टर विच इज हाउस होल्ड से दूसरे सेक्टर विच इज फर्म्स के पास आए जाए के अंतर्गत उसका फ्लो, उसे कहते हैं रियल फ्लो. रियल फ्लो का एक और नाम है, रियल फ्लो का नाम है फिजिकल फ्लो. रियल फ्लो में डिफिकल्टी होती थी बार्टर सिस्टम के अंदर में इसे कर पाना प्रॉब्लम देता था, जबकि दूसरा जो है मनी फ्लो, मनी फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर्स विच इज हाउस होल्ड एंड फर्म. तो जहां पे भी हाउस होल्ड और फर्म के बीच में मनी का फ्लो हो रहा है उसे कहते हैं मनी फ्लो. और इसका भी एक और नाम है, और इसका नाम है नॉमिनल फ्लो. तो आपको वन मार्क्स के लिए छोटी छोटी चीजें याद रखना जरूरी है कि चीजों का अदर नेम क्या है. तो याद रखिएगा रियल फ्लो को और क्या कहते हैं, रियल फ्लो को कहते हैं फिजिकल फ्लो, जबकि मनी फ्लो को क्या कहते हैं, मनी फ्लो को कहते हैं नॉमिनल फ्लो. मनी फ्लो में मनी का फ्लो होता है, मनी को एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एक जगह से दूसरी जगह, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाती है, जबकि रियल फ्लो के अंदर में पैसा नहीं जाता. रियल फ्लो के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ आते जाते. तो अभी हमने जो सर्कुलर फ्लो देखा उसमें जो चार चीजें थी, चार जो मूवमेंट्स हम लोग देख रहे थे, उसमें से दो चीजें रियल में आ जाती हैं जो रिलेटेड टू है व्हाट, जो रिलेटेड टू है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड बाकी की दो चीजें जो रिलेटेड टू है मनी, जो मनी के टर्म्स में है, वो किसमें आ जाती है, वो मनी फ्लो के अंदर में आ जाती है. ठीक, तो चलिए देखते हैं रियल फ्लो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोस, सर्कुलर फ्लो, एक है रियल फ्लो और एक है मनी फ्लो. रियल फ्लो क्या, रियल फ्लो फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का. तो देखिए सबसे पहले हाउस होल्ड क्या कर रहा था, सबसे पहले हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसे मैंने कहा और क्या कहते हैं फैक्टर सर्विसेज कहते हैं, प्रोवाइड कर रहा था किसे, फर्म्स को प्रोवाइड कर रहा था. तो ये रियल फ्लो का पार्ट है, ये रियल फ्लो के अंदर में आ जाता है. तो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसको प्रोवाइड किया प्रोड्यूसर्स को. प्रोड्यूसर ने फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड की थी, लेकिन वो किसमें आ जाता है, वो मनी के टर्म्स में आ जाता है, इसलिए वो इसमें नहीं आएगा. वो किसमें आएगा, वो रियल फ्लो का पार्ट नहीं है. वो किसका पार्ट है, वो है मनी फ्लो का पार्ट. ठीक, तो वो नहीं आएगा. लेकिन उसके बाद प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कर रहा था, उसके बाद प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर रहा था गुड्स एंड सर्विसेज, एंड रियल फ्लो के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज आता है. तो प्रोड्यूसर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए वो रियल फ्लो का हिस्सा है, और किसको प्रोवाइड किए, हाउस होल्ड को प्रोवाइड किए. तो बेसिकली रियल फ्लो के अंदर में फ्लो ऑफ सिर्फ गुड्स और सर्विसेज आता है, इसलिए रियल फ्लो में सबसे पहले हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज ऑल्सो नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसर को, एंड इन रिटर्न प्रोड्यूसर प्रोवाइड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड. रिमेंबर रियल फ्लो का अदर नेम फिजिकल फ्लो है. ठीक, रियल फ्लो में सिर्फ और सिर्फ फ्लो किसका होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का होता है. क्लियर. अदर दो पार्ट जो चीजें इसी की थी, सर्कुलर फ्लो के अंदर में हम लोगों ने दो चीजें तो रियल फ्लो में देख ली,
बचे हुए दो चीजें जो हैं, जो इन टर्म्स ऑफ मनी है, वो किसमें आ जाएगी? वो मनी फ्लो में आ जाएगी। चलिए अब उसको देखते हैं कि मनी फ्लो का फिगर कैसे बनेगा और उसको चलिए तो देखते हैं अब मनी फ्लो क्या है। मनी फ्लो अभी मैंने आपको बताया, जब दो सेक्टर्स के बीच में आपस में एक्सचेंज हो मनी के टर्म्स में, तो उसे कहते हैं मनी फ्लो, ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। क्लियर? तो यहाँ पे हाउसहोल्ड जो कि ओनर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, क्लियर, उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर फर्म्स को प्रोवाइड किए थे तो फर्म बदले में उन्हें क्या देती है? फर्म्स उन्हें बदले में देती है फैक्टर पेमेंट। फर्म दे रही है तो उनके लिए पेमेंट हो गया, और हाउस होल्ड रिसीव कर रहा है तो उनके लिए फैक्टर इनकम हो गया। तो ये तो पैसे के टर्म्स में होगा ना, तो ये किसमें आ जाएगा? ये रियल फ्लो में नहीं आएगा, ये किसमें आएगा? ये आएगा मनी फ्लो के अंदर में। ठीक, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स जो फैक्टर पेमेंट, मतलब की जो रेंट दे रही है लैंड के ऊपर, जो वेजेस दे रही है लेबर्स को, जो इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल के ऊपर, या फिर जो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है, ये सारी चीजें प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड कर रही है। एरो इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है? हाउस होल्ड की ओर जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड को, ये फैक्टर पेमेंट, ये मनी फ्लो का पार्ट होगा, बिकॉज ये पैसे को इन्वॉल्व कर रहा है। ये रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट को इन्वॉल्व कर रहा है, ये मॉनेटरी टर्म है, तो ये मनी फ्लो के अंदर में आ जाएगा। ठीक, साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज किसमें आएगा? गुड्स एंड सर्विसेज आएगा रियल फ्लो में। लेकिन जब गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को मिल रहे थे तो हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा था? जब आप मार्केट से आइसक्रीम या चॉकलेट खरीद रहे थे तो गुड्स एंड सर्विसेज तो आए, लेकिन आप बदले में दुकानदार को क्या दे रहे थे? पैसे दे रहे थे। ठीक, आप कौन है? आप है हाउस होल्ड, एंड हाउस होल्ड ने जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज दिया, गुड्स एंड सर्विसेज विच आर पार्ट ऑफ रियल फ्लो, तो आप बदले में दुकानदार को क्या देंगे? आप बदले में दुकानदार को देंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज पार्ट ऑफ मनी फ्लो। तो हाउस होल्ड ने एरो इधर से गया और किसकी तरफ गया? प्रोड्यूसर की तरफ गया, एंड हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड किया? हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड किया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि मनी फ्लो का पार्ट है। तो सर्कुलर फ्लो में जो चार चीजें थी उसमें से दो चीजें आई रियल फ्लो के अंदर में, एंड दो चीजें आई मनी फ्लो के अंदर में। जो गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड था वो रियल फ्लो के अंदर में आ गया, एंड जो पैसे से रिलेटेड, जो मनी से रिलेटेड था वो मनी फ्लो के अंदर में आ गया। एंड अगर हम कहना चाहें कि सर्कुलर फ्लो इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर फ्लो में चार चीजें हैं, दो रियल फ्लो दो मनी फ्लो, तो इन चारों को अगर जोड़ दें, दो रियल का और दो मनी का, तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा सर्कुलर फ्लो। दस वी कैन से कि रियल फ्लो प्लस मनी फ्लो इज इक्वल टू सर्कुलर फ्लो। तो ये दो टाइप्स भी हैं सर्कुलर फ्लो के, और इन्हीं दोनों को जोड़ करके सर्कुलर फ्लो बन जाता है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड विच आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, फर्म बदले में उन्हें फैक्टर इनकम दे देती है। क्लियर? फिर उसके बाद फर्म्स उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज देती है, हाउस होल्ड उन्हें उसके रिटर्न में कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे देते हैं। इन सब में सिर्फ दो ही सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, वन इज हाउस होल्ड, अनदर वन इज फर्म्स, ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि आप टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो ये था सर्कुलर फ्लो टू सेक्टर मॉडल के अंदर में, एंड साथ ही साथ आपने देखा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो, अदर नेम्स याद रखिएगा। तो छोटा सा चैप्टर था ये मैक्रो, चैप्टर वन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वीडियो पार्ट वन एंड पार्ट टू दो आपको देखना है, स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये थोड़ा सा मेरा काम भी आप लोग कीजिए। ठीक, एंड अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।